जब कभी भी हम किसी पार्टी में जाएं, वेडिंग में जाएं, तो क्या ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जो हमारी पर्सनल होनी ही चाहिए। एंड आई हैव डिस्कवर्ड दिस। बी ब्लंट का है ये 5 मिनट शैम्पू है कलर। बस इसे हम अपने हाथ पे लेंगे एंड लगा देंगे पूरे बालों में। गाइस, मुझे अचानक एक इवेंट में जाना है और अभी अभी मैंने नोटिस किया कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मतलब मुझे रूट टचअप की ज़रूरत है, नहीं तो फिर वो हेयर स्टाइल वगैरह बनाओ ना तो सब दिखने लगते हैं। और मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं क्योंकि मेरे पास रूट टचअप का बिल्कुल टाइम नहीं है। बट आई डिस्कवर्ड एन अमेजिंग प्रोडक्ट जो कि सिर्फ 5 मिनट में, यस सिर्फ 5 मिनट में मेरे बाल कलर कर देगा, 100% ग्रे कवरेज देगा, 8 हफ्ते तक उसका असर भी रहेगा और यही नहीं मेरे बालों को प्रोटेक्ट भी करेगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मुझे इसमें किसी की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आराम से कर सकती हूँ। और इस वीडियो में मैं ये भी शेयर करने जा रही हूँ कि जब कभी भी हम किसी पार्टी में जाएं, वेडिंग में जाएं, तो क्या ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमारी पर्स में होनी ही चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम लता सबरवाल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा मेकअप, मोटिवेशन और मेरी थालीज। तो मंडे और वेंसडे को मिलेगा मेकअप और मोटिवेशन, एंड थालीज तो पूरे हफ्ते चलती रहती हैं, एंड मैं सैटरडेज को लाइव भी आती हूँ आपकी रिक्वेस्ट लेने के लिए। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि मैं हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने में बिलीव करती हूँ, एंड आई हैव डिस्कवर्ड दिस। बी ब्लंट का है ये 5 मिनट शैम्पू है कलर। तो रहिएगा मेरे साथ, जाइएगा नहीं, मैं पूरा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाली हूँ। एंड बी ब्लंट इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड, एकदम प्रीमियम हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर केयर ब्रांड है ये, और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना एकदम लेटेस्ट होते हैं। ऑल्सो इट डज नॉट हैव अमोनिया, नो सिलिकॉन, नो पैराबेन। तो इसे यूज़ करना फ्रेंड्स बेहद ईजी है। ये एक बॉक्स जो आप देख रहे हैं ना, इसमें 5 सैशे आते हैं। अच्छा, इसमें सिल्क प्रोटीन है। सिल्क प्रोटीन क्या करती है, हमारे बालों को शाइन देती है और शाइन के साथ साथ जो है वो टूटने से रोकती है। साथ में प्लांट केराटिन भी है, उससे भी हमें शाइन मिलती है, स्ट्रेंथन होते हैं बाल और वो जो एक स्मूथ सा बिल्कुल इफेक्ट होता है ना बालों का, वो आ जाता है। फ्रेंड्स, ये जो पूरा बॉक्स है इसकी कॉस्ट है ₹299, विच इज़ वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली। और आप सोच रहे होंगे आप कहाँ से ले सकते हैं, तो मैं लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको बहुत आराम से मिल जाएगा ये अमेजोन पे, नायका पे एंड फ्लिपकार्ट पे, ऑल्सो ऑन बी ब्लंट्स वेबसाइट। तो अगर आप इनकी वेबसाइट से मंगाते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिए LATAA2023 एंड यू विल गेट 20% डिस्काउंट। लेट्स बिगिन। तो इसके और भी शेड्स आते हैं फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रही हूँ नंबर 3 चॉकलेट डार्क ब्राउन। बस इसे हम अपने हाथ पे लेंगे एंड लगा देंगे पूरे बालों में। बस फ्रेंड्स, इसे सूखे बालों पे जो है मैं लगा रही हूँ और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। इसे अपने बालों में मैं कुछ 2 मिनट तक रखूंगी अप्रॉक्सीमेटली, एंड मतलब 2 मिनट तक मसाज करूंगी अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद 5 मिनट रुक के फिर मैं जो है वॉश कर लूंगी। तो ये देखिए, बस अब ये मैंने एक्चुअली, मेरे बाल थोड़े ज़्यादा ग्रे हो रहे थे तो मैं 2 पैकेट यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। ये मैंने लगा लिया ड्राई हेयर में। और अब इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं तो ये जो वाइट टूथ कॉम्ब होती है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 मिनट तक के जो है इसे मसाज करना है, या फिर आप कोम से भी कर सकते हैं, मैं कोम का इस्तेमाल कर रही हूँ। सी, इट इज सो सिंपल। अब बस 2 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मैं 5 मिनट तक वेट करूंगी और उसके बाद जो है बाल धो लूंगी सादे पानी से, कुछ भी और नहीं करना। इट इज़ सो ईजी, शायद इसीलिए इसका नाम है 5 मिनट शैम्पू हेयर कलर। ओके, तो जब तक 5 मिनट्स वेट करती हूँ, एक अच्छी बात बताती हूँ आपको बी ब्लंट के बारे में कि जब कभी भी आप इनसे कुछ खरीदते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपका ऑर्डर लिंक कर दिया जाता है एक वुमन के साथ, यस, जिसे ये एम्पावर कर रहे हैं विद संभव फाउंडेशन थ्रू बी ब्लंट शाइन अकेडमी। और इनका एम ये है कि देश भर में 10,000 वुमेन को एम्पावर करेंगे। देखिए, पता भी नहीं चला आपसे बात करते करते 5 मिनट हो गए हैं, एंड आई विल बी बैक। तो मेरे बाल देखे बिना, और वेडिंग में हमें अपने पर्स में क्या कैरी करना चाहिए, व्हाट आर द मस्ट हैव्स, वो देखे बिना मत जाइएगा। सी यू।
फ्रेंड्स, तो ये वीडियो हम एकदम रियल टाइम शूट कर रहे हैं। मैं अभी अभी बाल धो के आई हूँ और मैंने जानबूझ के ब्लो ड्राई वगैरह कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से मेरे बाल एकदम कलर हो गए हैं। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू फाइंड दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ जस्ट अमेजिंग। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और मोटिवेशनल स्टफ के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी मस्ट हैव्स क्या हैं जो हमारे पर्स में होने चाहिए, अब बताने जा रही हूँ, लेकिन उसके पहले एक बार रिमाइंड करा दूँ, आई एम श्योर यू वुड लव टू ट्राई दिस। तो आपको आराम से ये मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से, नायका से, फ्लिपकार्ट से एंड बी ब्लंट की वेबसाइट से भी। और अगर उनकी वेबसाइट से कर रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिए LATAA2023 टू गेट 20% ऑफ। सो नंबर वन थिंग इज सेफ्टी पिन्स, जो कि हमें भी जरूरत पड़ सकते हैं कभी दुपट्टा टक करने के लिए, कभी कहीं से कुछ ठीक करने के लिए, और हमारी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी जरूरत पड़ सकते हैं। तो सेकेंड मस्ट हैव जो पर्स में होना चाहिए वो थोड़ी सी अलग चीज़ है, वो है डबल टेप। आप सोच रहे होंगे डबल टेप का क्या काम है हमारी आउटफिट्स में या कुछ है, बिलीव मी इट वर्क्स वंडर्स। हम शूट में अगर आपने देखा हो, बहुत देर तक भारी भारी मांग टीके लगाए रहते थे, डांस वांस करते हैं तो भी वो जगह से हिलते नहीं है, वहीं पे रहते हैं, तो छोटा सा टुकड़ा डबल टेप का लेके ना हम उसके नीचे ऐसे चिपका देते थे तो वो अपनी जगह पे सेट रहता था। इनफैक्ट अगर बहुत हैवी इयररिंग्स हैं और ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे तो उसके पीछे भी पहले हम छोटा सा डबल टेप डालने के बाद कान में चिपका देते थे, फिर उसके बाद स्क्रू से बंद करते थे। इयररिंग्स के एक्स्ट्रा स्क्रूज वो रखना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है अगेन कि हैवी इयररिंग्स हैं या गिर गए या ढीले पड़ गए और ऐसा लग रहा है बार बार इयररिंग गिर रहा है आपका या आपकी फ्रेंड का या रिलेटिव का, किसी का भी, तो हम आराम से दे भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। एक दो ईयरबड्स भी साथ में पर्स में ज़रूर रखिएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ना, ये ज़्यादा जगह बिल्कुल भी नहीं लेती हैं, आराम से रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी आई में कभी कैसा कुछ होता है ना, कुछ चला गया मस्कारा का पार्टिकल या काजल, कभी कुछ इरिटेशन हो रहा है, तो आराम से हम अपनी आँख जो है उसे क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप लेंसेज लगाती हैं तो प्लीज़ लेंसेज की जो डब्बी होती है ना, वो ज़रूर साथ में कैरी कीजिएगा, उसमें लिक्विड डाल के, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ हो चुका है कि अचानक लेंस में बहुत ज़्यादा इरिटेशन शुरू हो गया, मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, आँख मेरी रेड होती जा रही थी, लेकिन मैं डब्बी नहीं थी मेरे पास, मैं निकाल के उसे रखूँ कहाँ पे, और मैंने लगाए रखा तो आँख में काफ़ी तकलीफ होती है, तो प्लीज़ वो डब्बी ज़रूर कैरी कीजिए। लिपस्टिक तो हम सब कैरी करते हैं, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन टिश्यू पेपर ज़रूर कैरी कीजिएगा, हो सके तो वेट वाइप या फिर ड्राई वाला भी काफ़ी काम आता है, स्पेशली अगर आपकी किसी क्लोज की विदाई हो रही हो और आपको रोना आ जाए, तो आराम से आप टिश्यू पेपर का कॉर्नर लेके ना अपने आंखों के आंसू जो हैं उसे पोंछ सकते हैं, मतलब वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो मेकअप भी ख़राब नहीं होता है और हमारे आंसू भी जो है वो साफ़ हो जाते हैं। परफ्यूम की पूरी बॉटल कैरी करना तो बहुत मुश्किल है, बड़ा वज़न होता है उसका, लेकिन छोटे छोटे परफ्यूम डिस्पेंसर्स आते हैं, तो आप उसमें अपनी थोड़ी सी परफ्यूम डाल के ज़रूर कैरी कीजिए, ताकि अगर लंबे टाइम तक आप कहीं पार्टी में हैं या वेडिंग में हैं तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिंट या फिर माउथ फ्रेशनर, ये कैरी करना बहुत ज़रूरी है हमारे साथ फ्रेंड्स, नॉट जस्ट फॉर पार्टीज एंड वेडिंग्स बट एनी वेयर यू गो, ये हमारे पर्स में होना ही चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम कहीं पे भी जाते हैं कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और कभी हमारे माउथ से जो है फाउल ब्रेथ आए या कुछ है, तो हमारे आस पास जो लोग हैं उन्हें इस चीज़ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो है मिंट या फिर माउथ फ्रेशनर कैरी करना इज़ अ मस्ट। I hope you all found it useful. All the links are in description box below and thank you so much for watching.